माया हौ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्नु आउँदौ छौ तिम्रो गाउँमा। एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक ज़रूर देखना आप। इसमें मैंने नेपाल के लगभग सारी खूबियों को और खूबसूरतियों को दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा भी है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल का ये खूबसूरत सफ़र। नेपाल, जिसको फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल कहा जाता है, नेपाल की अगर हम बात करें तो यह खास तौर से हिमालय के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। हिमालय पहाड़, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, और यहाँ के लोग इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। बहुत मज़ेदार जगह है, आई लव नेपाल रियली। अगर आप नेपाल घूमना चाहते हैं तो बिहार वाला एरिया छोड़िए और बीचों बीच आइए या फिर हिमालय के नज़दीक जाइए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब आप यहाँ आओगे तो एक अलग सा खूबसूरत एहसास दिल में पैदा होगा। ऐसा मालूम होगा मानो ये एहसास आपको सपनों में ले गया हो। आप कुदरत की खूबसूरतियों में लगभग खो सा जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, कभी आप आ करके देखना, लेकिन खूबसूरत नज़र के साथ। नफ़रत की भावना लेकर के मत आना, वरना कुछ नहीं दिख पाओगे। आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ मायूसियाँ ही हाथ लगेंगी। अगर आप नफ़रत की भावना लेकर के आओगे तो सिर्फ आपको खामोशियाँ ही हाथ लगेंगी। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए आया हुआ हूँ। ये जो जगह है जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये माउंट एवरेस्ट देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना जाता है। अगर आप पैदल आते हैं यहाँ पे तो इसके आगे जाना बिल्कुल मना है। अगर आप इसके आगे भी जाना चाहते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेना होगा। ये देखिए पानी जो कि हिमालय को छू करके यहाँ तक आया है, और हमेशा इस तरह का आवाज़ होता रहता है यहाँ पर। सूरज क्या था, ये थोड़ा सा दिखने की कोशिश हो रहा है माउंट एवरेस्ट का। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ेगी वैसे वैसे ये ज़्यादा दिखेगा। हम लोगों का बैड लक रहा, मौसम बहुत ख़राब है आज, इसलिए माउंट एवरेस्ट साफ साफ नहीं दिख पा रहा है। कम ऑन ओरियोल, कम ऑन। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और हम इसके इतना नज़दीक रह करके भी इसकी खूबसूरती को अभी तक देख नहीं पाए थे। हालांकि यहां आने के लिए ना हमें वीज़ा की ज़रूरत होती है और ना ही किसी परमिशन की। विनोद, बहुत ही खतरनाक मौसम है अभी, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना, लाइट को ऑन कर लो विनोद। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अभी हमारे सामने सिर्फ फॉग ही फॉग दिख रहा है, पूरा बादल से घना छा हुआ है, बहुत ही बुरा हाल है। फॉग से कुछ नहीं किसी को दिखाई दे रहा है, पूरा धुआं धुआं होकर पीछे। लेट्स गो। हम लोग वापस काठमांडू जा रहे हैं। अभी हम लोग भोजपुर से दिगटेल के तरफ जा रहे हैं और नेपाल के ठीक बीचों बीच से ये रास्ता जा रही है काठमांडू के तरफ, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। कहीं कहीं पे बहुत अच्छा है और कहीं कहीं पे बहुत ही ख़तरनाक है। बाइक का ये सफ़र हमेशा के लिए यादगार रहेगा, नेपाल घूमना वो भी बाइक से, ये लाजवाब रहा। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है और थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत भी है, बाकी इन्जॉय बहुत कर रहे हैं। काठमांडू नेपाल का सबसे मशहूर सिटी है और इसकी राजधानी भी। यहाँ पर घूमने के लिए कुछ मोन्यूमेंट्स हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है, लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले बार जो भूकंप आया था यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और बहुत से ऐतिहासिक जगह बर्बाद हो गए। लेकिन अब सारी चीज़ लगभग पहले जैसे नॉर्मल होते जा रहा है और जो भी मोन्यूमेंट्स ढह गए थे, बर्बाद हो गए थे, उसको फिर से रिपेयर किया जा रहा है, उसको फिर से बनाया जा रहा है पहले जैसा।
अब हम लोग स्वयंभूनाथ टेम्पल घूमने के लिए आ गए हैं, जिसको स्वयंभूनाथ स्टूपा भी कहते हैं। स्वयंभूनाथ टेम्पल को मॉन्की टेम्पल भी कहते हैं। मॉन्की टेम्पल इसको क्यों कहा जाता है आप समझ सकते हैं। स्वयंभूनाथ टेम्पल पे आकर के आप सिटी का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। बाई दी वे, द ग्लोरी ऑफ काठमांडू वैली इज सेड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। हियर वी हैव अ स्टूपा। द स्टूपा हैज स्टूड एज अ हॉलमार्क ऑफ फेथ एंड हारमोनी फॉर सेंचुरीज विथ हिंदू टेम्पल्स एंड डेटीज incorporated in this Buddhist site. Resting on a hillock of 3 km west of Kathmandu, Swayambhu is one of the holiest Buddhist stupas in Nepal. This stupa is the oldest of its kind. दोस्तों, अगला मोनूमेंट काठमांडू का जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है बुद्धनाथ स्टूपा, मतलब बुद्धा स्टूपा। ये जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्टूपाज इन द वर्ल्ड, कीप्स एन आई आउट इन एवरी डायरेक्शन। इस टेम्पल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा अपनी आँखों को चारों दिशाओं में रखे हुए हैं ताकि वो इस शहर में अच्छे तरीके से नज़र रख सके और जिससे कि पीस और हारमोनी बना रहे इस शहर का। बुद्धा स्तूपा शहर से लगभग 11 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भी लोग देश दुनिया से काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं विजिट करने के लिए इस जगह को। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस स्तूपा को बनाया गया है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद में। बुद्धिज़्म सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है नेपाल में, जिसकी वजह से आप हर जगह पे इस तरह का मंदिर स्टूपा देख सकते हैं। कोपांग मिनिस्ट्री मोनेस्ट्री, कोपांग मोनेस्ट्री वी आर हियर, द ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री इन काठमांडू नेपाल। बहुत ही खूबसूरत जगह है। बुद्धिज़्म के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। यहाँ पर आप 4 से 5 दिन, मतलब जो भी दिन हो, आप रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। लॉर्ड बुद्धा के तरह से रहना और जीवन बिताना सीखे यहाँ पे। कोपांग मोनेस्ट्री के अंदर का सीन है ये सब। यहाँ पे दलाई लामा का फोटो रखा हुआ है। दोस्तों, दलाई लामा नेपाल में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और लगभग हर टेंपल जो इस तरह के हैं वहाँ पे आपको दलाई लामा का फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। दलाई लामा जिनका जन्म तिब्बत में एक फार्मिंग फैमिली में हुआ था, एक छोटे से शहर में, जब वो 2 साल के थे तभी ही वॉज रिकोगनाइज्ड एज द रीइंकारनेशन ऑफ द 13th दलाई लामा थुबेतन ग्यात्सो। बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड जितने भी सारे देवताएं हैं सब के तस्वीर यहाँ पर रखे हुए हैं। इस तरह के जो बेल हैं जिसको शायद बोनशो कहते हैं, नेपाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ख़ास करके बुद्धिज़्म टेम्पल के पास, जो लगभग आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा और इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं। आज मैं आया हूँ गार्डन ऑफ ड्रीम्स में घूमने के लिए ओरियल के साथ, जो कि काठमांडू में है, थामिल से बहुत ही नज़दीक। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है टाइम पास करने के लिए, थामिल के नज़दीक काठमांडू में। ज़्यादातर मैंने देखा कि यहाँ पे लोग आते हैं अपने हाथों में किताब लिए हुए और यहाँ पर आकर के बैठते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ भी आते हैं और थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर चले जाते हैं। सेफ होने की वजह से काफ़ी लोग इस जगह को विज़िट करने आते हैं, जिसमें ज़्यादातर विदेशी लोग होते हैं। नेपाल में क्रिकेट के मुकाबले फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये जान करके कि यहाँ के लोग विदेशी फुटबॉलर को बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो स्पेन के हो, इटली के हो, जर्मनी के हो, मतलब कहीं के भी हो, अगर वो फेमस है तो यहाँ के लोग ज़रूर उनको जानते हैं। तो मेरे साथ ओरियोल था और ओरियोल बार्सिलोना से बिलोंग करता है, तो जैसे यहाँ के बच्चों को मालूम चला कि ओरियोल बार्सिलोना का है, तो उन लोगों ने ओरियोल को फुटबॉल खेलने के लिए रिक्वेस्ट किया। और ओरियोल क्योंकि बढ़िया खेलता है फुटबॉल और अपना एक पाँव भी तोड़ बैठा है फुटबॉल के चक्कर में, लेकिन फिर भी उसने उन लोगों की बात रखी और फुटबॉल खेलने लगा। साथ में विनोद जो कि हमारा गाइड है वो भी अच्छा खेलता है फुटबॉल और उसने भी साथ दिया, तो कुल मिला करके अच्छा इंटरटेनमेंट हो गया शाम के टाइम। कैलाश नाथ महादेव टेम्पल, यहाँ पर आप लॉर्ड शिवा का सबसे लंबा स्टैचू देख सकते हैं, जो कि 143 फीट ऊँचा है। और ये टेम्पल लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है काठमांडू से। ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है घूमने के लिए अगर आप काठमांडू में हैं। चलिए अब हम लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, हैव यू फाउंड योर मेडिसिन? दिस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड।
It's very different. Wow, incredible. It's a very different from your country. Yeah, we are talking about marijuana, which is also known as cannabis in Nepal. Cannabis has been illegal since 1960 in Nepal, but the country has a long history of use of cannabis for Ayurvedic medicine. Marijuana, yani ke weed, iska istemal holy offering ke taur pe karte hain Lord Shiva ke liye. Isko Shiv ji ka prasad bhi karte hain. To Shiv ji ka prasad Nepal mein bahut zyada mashhoor hai dosto. Agar aap chahe to yahan pe aap le sakte hain. Lekin dhyan rahe, ye illegal hai yahan bhi. To chalo dosto, is video ko ab yahin stop karte hain kyunki video bahut zyada lamba ho raha hai. अब वीडियो देख करके भागना मत, लाइक करो यार, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि मैं अगले वीडियो में नेपाल की और पोल खोलने वाला हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है पार्ट टू, जिसको देखना बिल्कुल मत भूलना.